प्रदेश कांग्रेस द्वारा पूरे हिमाचल में 26 मई को हर ब्लॉक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बकायदा 26 मई को महंगाई दिवस मनाने के लिए हमीरपुर जिला कांग्रेस जुट गई है। हमीरपुर मुख्यालय पर भी केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना दिया जाएगा और धरने के बाद एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रंजनी पाटिल को भी बधाई दी और कहा कि इनके नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस संगठन सुदृढ़ होकर काम करेगा। हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले जनता को झूठ बोलकर सपने दिखाए थे। ठाकुर ने कहा कि आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है तो रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा हुआ है। केंद्र सरकार के लुभावने वादे से अब जनता त्रस्त हो चुकी है और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में जनता बीजेपी सरकार को जवाब देगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हिमाचल प्रदेश की जो नई प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी को नियुक्त किया गया है, हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में जो संगठन है और मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और इससे पहले भी जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे जी थे, उनके नेतृत्व में भी हिमाचल प्रदेश में संगठन बूथ स्तर पर मजबूत हुआ, पार्टी जो है काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ी। और हमीरपुर जिला में भी उनके और हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पहली बार 3 सीटें आई हैं और ये संगठन के लिए और पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। और आने वाले कल में हम आशा करते हैं कि श्रीमती रजनी पाटिल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है और मजबूत होकर आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जी ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर वो ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं, जिला स्तर पर जा रहे हैं और उन्होंने एक प्रदेशव्यापी अभियान छेड़ रखा है। आज आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने जब वो नेतृत्व में आई थी और उन्हें नेतृत्व में आने से पहले लोगों को एक लुभावने सपने दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे तथा काला धन वापस लाएंगे। लोगों को उन्होंने काफी ज्यादा उस झूठ बोला और आज आप देखेंगे कि महंगाई जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। पेट्रोल डीजल के बहुत सारे दाम बढ़ चुके हैं, सब्जियों के, चाहे आप रोजमर्रा जिंदगी में जो एक आम आदमी चीजें खरीदता है उसकी महंगाई जो है वो बहुत चरम स्तर पर बढ़ चुकी है। और आज रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। और केंद्र में जो भाजपा की मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो 4 साल के कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने किया है, आज आम जो जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर। और आने वाले कल में 2019 के चुनावों में आम जनता जो है इसका जवाब देगी। और उसी के उपलक्ष्य को लेकर हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 26 तारीख को पूरे ब्लॉक स्तर पर, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सभी ब्लॉकों में महंगाई दिवस रखा है। और 26 तारीख को हमीरपुर जिला में भी सभी ब्लॉकों में महंगाई दिवस मनाया जाएगा और रैली के रूप में जो हमारे कांग्रेस के लोग निकलेंगे और सब अपना एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को और राष्ट्रपति को जो वो ज्ञापन सौंपा जाएगा।